हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएमएचएस स्टडी क्लासेस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास ट्वेल्थ कॉमर्स स्टेटिस्टिक पार्ट वन एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट कर रहे हैं। इससे प्रीवियस की सारी एक्सरसाइजेस चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। हमने सारे क्वेश्चन हर एक एक्सरसाइज के सॉल्व किए हैं, तो प्लीज़ प्लेलिस्ट ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, एज वेल एज़ आपको यहाँ पर प्लेलिस्ट के लिंक में सारे वीडियोस अरेंज मिल जाएंगे चैप्टर वाइज एक सीक्वेंस में। तो प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कीजिएगा, एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करके देखिए, उसमें जो प्लेलिस्ट है अकाउंट्स की भी है और स्टेटिस्टिक की भी है, तो वहाँ पर आपको सीक्वेंस में लाइन वाइज वीडियोस मिल जाएंगे, आप कहीं पे भी ढूंढने नहीं पड़ेंगे वीडियोस चैनल पे। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज का ये वीडियो। आज के इस वीडियो में हम जो एक्सरसाइज 2.3 है उसके क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ये एक्सरसाइज कंप्लीट सॉल्व करेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को कहीं पर भी स्किप मत कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं फ्रॉम फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन रीड करती हूँ। क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमें दिया गया है क्वेश्चन में, सिक्स कंपनीज आर रैंक बाय टू मार्केट एनालिटिक्स ऑन द बेसिस ऑफ द ग्रोथ इन रिसेंट पास्ट। यहाँ तरफ आप देख सकते हैं जो डेटा आपको दिया गया है, दैट इज़ आप वहाँ पर रीड करेंगे तो रैंक बाय एनालिटिक वन और रैंक बाय एनालिटिक टू, तो ऐसा आपको लिख कर दिया गया है। अब जो रैंक्स है तो उसे जो फर्स्ट रैंक है, जो रैंक बाय एनालिटिक वन, यानी जो फर्स्ट लाइन आपको दी गई है जिसमें 5, 2, 1, 4 ये लिखा गया है, उसे हम R ऑफ X लिखेंगे। X और Y दो वेरिएबल्स होते हैं जिसमें से जो फर्स्ट है, यहाँ पर रैंक लिखा गया है, प्लीज़ नोट दैट यहाँ पर लिखा गया है रैंक, तो हम इसे लिखेंगे R ऑफ X, रैंक ऑफ X, राइट। तो ये सारी है रैंक ऑफ X जो हमें दी गई है क्वेश्चन में, वही नोट डाउन की है। ये है R ऑफ Y यानी रैंक ऑफ Y, यहाँ पर हमने जो एनालिटिक टू की जो रैंक्स है उसे Y से डिनोट किया है, वन की जो है उसे X से डिनोट किया है, और रैंक्स है इसलिए R लिखा है। अब मैं आपको डिफरेंस एक्सप्लेन करती हूँ कि यहाँ पर रैंक्स क्यों लिखा है। रैंक यानी हम जैसे रैंक्स देते हैं ना कि हाईएस्ट परसेंटेज जिसके आए वो फर्स्ट रैंक पे आएगा, सेकेंड जिस पे आए उस वो सेकेंड रैंक पे आएगा, वैसे ही यहाँ पर रैंक्स दी गई है कि दो अलग अलग यहाँ पर समझ लीजिए सुपरवाइज़र हैं। जो फर्स्ट सुपरवाइज़र है उसने सिक्स कंपनी को रैंक दी, उनके जो भी यहाँ पर क्राइटेरिया था उसके अकॉर्डिंग, जैसे फर्स्ट रैंक यहाँ पर थर्ड कंपनी को मिली है जो सी कंपनी है, राइट। फर्स्ट जो ए कंपनी है उसे फिफ्थ रैंक मिली है। तो रैंक्स में आप एक चीज़ नोट कीजिएगा, सीक्वेंस रहेगी फर्स्ट सेकेंड थर्ड उसके बाद फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ, कहीं पे भी मिसिंग नहीं रहेगा। यहाँ पर भी आप चेकआउट कीजिए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, एक सीक्वेंस आपको मिलेगी। तो ये जो नई फॉर्मूला है जो एक्सरसाइज 2.3 में हम सॉल्व करें, इसका नाम है रैंक कोरिलेशन। हमें आर की वैल्यू फाइंड करनी है, बट किससे, रैंक कोरिलेशन से फाइंड करनी है आर की वैल्यू। तो अब आपको दो वेरिएबल्स चाहिए, सारे सम्स इजी है, स्टार्टिंग आपको करनी है आर ऑफ एक्स और आर ऑफ वाई, ये दो चीज़ आपको चाहिए। यहाँ पर डिफरेंट फार्मूलाज नहीं है, इजी क्वेश्चन से सारे के सारे, तो समझिएगा अच्छे से। अब देखिए इसकी फार्मूला एक्सप्लेन करती हूँ, इस पे से आपको पता चलेगा कि आपको और क्या क्या फाइंड करना है। तो फर्स्ट हमें वन में से माइनस करना होगा, हमेशा फार्मूला में ही वन है, तो आप जब भी ये फार्मूला रैंक कोरिलेशन की यूज़ करें तो आपको वन में से डेटा माइनस करना होगा, तो वन तो आगे रहेगा ही। उसके बाद है सिक्स, हमें फार्मूला में सिक्स भी यहाँ पर रखना ही है, परमानेंट है, रैंक कोरिलेशन की वैल्यूज़ जब फाइंड करेंगे तब सिक्स और ये वन यहाँ पर रहेगा। इसमें से आपको सिक्स को मल्टीप्लाई करना है सिग्मा डी स्क्वायर। अब d की वैल्यू चाहिए और उसका स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ पर लिख देते हैं, हमें चाहिए d की वैल्यू और d स्क्वायर। अब ये d की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है ये यहाँ पर आपको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। d की वैल्यू हम यहाँ पर फाइंड करेंगे, माइनस करना होगा आपको r ऑफ x में से r ऑफ y, r ऑफ x माइनस r ऑफ y, तो आपको d की वैल्यू मिलेगी, उसका स्क्वायर कीजिए तो d स्क्वायर, इसका टोटल करेंगे तो आपको सिग्मा d स्क्वायर मिल जाएगा जो यहाँ पर आएगा, जिसे 6 से मल्टीप्लाई करना है। इतनी कन्फ्यूजन्स यहाँ तक की क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, n, n यानी जितने वेरिएबल्स दिए, तो हाईएस्ट वैल्यू चेक कर लीजिए, यहाँ पर 6 है, 6 से बड़ा कोई नहीं है, यानी टोटल 6 वैल्यूज़ हैं यहाँ पर,
नहीं समझ में आ रहा है तो डायरेक्ट काउंट कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 वैल्यूज आपको दी गई है, यानी n हमारा होता है 6, n का स्क्वायर करना है, यानी जितने यहाँ पर टोटल वेरिएबल्स है, जैसे हमारा n आया 6, तो n का स्क्वायर यानी 6 स्क्वायर 36, ऑल राइट, इसमें से -1 करना है बस। यहाँ पर फॉर्मूला बिल्कुल ईजी है, आपको सिर्फ एक ही वैल्यू चाहिए, वो है डी स्क्वायर का टोटल, सिग्मा डी स्क्वायर, और इन सभी को सिंप्लीफाई करके जो वैल्यू आएगी उसे 1 में से माइनस करना है, तब आपको कौन सी वैल्यू मिल जाएगी, आर की। स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, इस तरफ सॉल्व करते हैं पूरा। तो देखिए हमें डायरेक्ट रैंक्स दे दी गई है, डी की वैल्यू फाइंड करनी है और डी स्क्वायर। तो यहाँ पर कहीं पे भी डाउट्स या क्वेरीज लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब बस हमें यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करना है और डी की वैल्यूज़ मिल जाएगी। तो आपको देखिए आर ऑफ एक्स में से आर ऑफ वाई माइनस करना है, यानी 5 में से 6 को माइनस करना है, तो आंसर आएगा -1, 2 -4 -2, 1 -3 -2, 4 -2 तो आंसर 2 आएगा, 3 -1 तो आंसर यहाँ पर 2 आएगा, और 6 -5 आंसर 1 आएगा। अब जब आप इनका टोटल करेंगे तो आपका आंसर हमेशा 0 आना चाहिए, डी का आंसर जो है वो हमेशा 0 रहेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर जितनी रैंक्स है उतनी ही यहाँ पर है, तो उनका जो रिएक्शन होता है वो हमेशा उसका टोटल जो है वो 0 आएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर डी का हमेशा 0 आना चाहिए, डी का मतलब होता है डिफरेंस, तो यहाँ पर जो डी हम डिनोट कर रहे हैं इससे इसका मीनिंग होता है डिफरेंस, तो हमने जो डिफरेंस फाइंड किया है तो उसका टोटल जो है वो 0 आना चाहिए। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर डी स्क्वायर, यानी ये जो डी की वैल्यूज़ है उसका स्क्वायर करना है, -1 का स्क्वायर 1 रहेगा, उसके बाद -2 का स्क्वायर 4, -2 का 4, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, राइट। अब इनका टोटल कीजिए, इन सभी वैल्यूज़ का टोटल कीजिए, आंसर आएगा 18। तो ये हमें सिग्मा डी स्क्वायर की वैल्यू 18 मिल जाती है। ये सब मैं इरेज करती हूँ, ये जो फॉर्मूला है इसे हम अप्लाई करते हैं। सो अब आर की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें 1 में से माइनस करना होगा 6 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर, जो हमारा यहाँ पर आप देख सकते हैं 18 आया है, इसे डिवाइड करना है n, n कितना है 6, यानी कितने वेरिएबल्स हैं टोटल आप कहीं पे भी देख लीजिए 6 ही है, तो 6 जितनी ऑब्जर्वेशंस है उसे मल्टीप्लाई करना है, अगेन n स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 -1, तो यहाँ पर अब इन्हें सिंप्लीफाई करना है, तो 1 माइनस जो ये है वो आगे एज इट इज़ रहेगा, 6 इंटू 18 करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 108, और डिवाइड करना है अब 36 -1 कितना होगा 35, 35 को मल्टीप्लाई कीजिए 6 से, तो आंसर यहाँ पर आएगा 210। अब 1 में से पहले माइनस नहीं करना है, पहले डिवाइड करना है, सबसे पहले क्या करेंगे आप डिवाइड करेंगे, तो 1 माइनस ये नेक्स्ट स्टेप है, 1 माइनस इन दोनों का डिवाइड कीजिए, आंसर आ रहा है 0.51। बस अब आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, 1 में से 0.51 माइनस करना है, तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 0.49, ये बन जाती है आर की वैल्यू। ये 1 आगे ही था, हमने इन दोनों को डिवाइड किया, आंसर 0.51 आया, जिसे 1 में से माइनस किया तो आंसर 0.49, जो आर की वैल्यू है बाय रैंक कोरिलेशन मेथड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 रीड करती हूँ। एन ऑफिशियल हैज़ रैंक 9 विलेजेस ऑफ अ सैम्पल ऑन द बेसिस ऑफ वर्क डन इन द एरियाज ऑफ स्वच्छता अभियान बेटी बचाओ अभियान बाय विलेजेस, द रैंक्स आर गिवन बिलो। अब यहाँ पर आपको 9 विलेजेस दिए गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी टोटल 9 विलेजेस है, एन आपका हो जाता है 9, जितने नंबर ऑफ विलेजेस नंबर ऑफ वेरिएबल्स आपको ऑब्जर्वेशंस दी गई है वो एन की वैल्यू। अब रैंक देखिए, स्वच्छता अभियान में जो फर्स्ट विलेज है उसको 4th रैंक मिली है, सेकेंड विलेज को 8th रैंक मिली है, इस तरह से लाइन वाइज 1 से लेकर 9 तक रैंक्स दी है,
बेटी बचाओ अभियान में यहाँ पर फर्स्ट विलेज को 6th रैंक है, सेकंड को 8th रैंक है, थर्ड को 5th रैंक है, फोर्थ जो विलेज है उसमें देखिए फर्स्ट रैंक है, दोनों ही जो हमें रैंक्स दी गई है उनमें से। बट हमें तो यहाँ पर जो फार्मूला यूज़ करनी है वो आप बोर्ड पे देख सकते हैं, सेम फार्मूला यूज़ करनी है, डी और डी स्क्वायर फाइन करना है। रैंक्स आप चेक कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सभी में लाइन वाइज पूरी की पूरी 1 से लेकर 9 तक रैंक्स दी गई है। हमें डायरेक्ट डी की वैल्यू, डी स्क्वायर की वैल्यू सभी को पुट आउट करना है फॉर्मूला में, 1 - 6 × σ² upon n × n² - 1। वैल्यूज़ पुट आउट करते हैं, यहाँ पर वैल्यूज़ फाइंड करते हैं, 4 - 6 - 2, 8 - 8 = 0, 7 - 5 = 2, 1 - 1 = 0, 9 - 9 = 0, 5 - 7 - 2, 6 - 3 = 3, 2 - 4 - 2, 3 - 2 = 1। अब इसका टोटल कीजिए, टोटल अगर आप करते हैं तो यहाँ पर आंसर आपका इसका 0 ही रहेगा। ऑल राइट, अब नेक्स्ट डी स्क्वायर चेक करते हैं, इन सभी का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4, 0 का स्क्वायर 0, 2 का स्क्वायर 4 0 0 4, 3 स्क्वायर 9 और लास्ट में यहाँ पर 2 स्क्वायर 4 1 स्क्वायर 1। टोटल कीजिए, टोटल आ रहा है 26 सिग्मा डी स्क्वायर का आंसर। यहाँ पर वैल्यूज़ पुट आउट करते हैं, पहले 1 रहेगा हमेशा एंड तक, 1 में से माइनस करना है 6 × σ² σ² 26 अपॉन एन, एन कितना है हमारा यहाँ पर, यानी कितने विलेजेस दिए गए, 9, तो यहाँ पर 9 लिखेंगे। अब एन का स्क्वायर, एन हमने 9 लिया है, इसका स्क्वायर कीजिए, स्क्वायर यानी 9 × 9, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा आपका, 81 - 1 जो फॉर्मूला में है, ये वाला 1, ये वाला 6 और ये वाला 1, ये फॉर्मूला में फिक्स ही रहेंगे। अब 1 में से माइनस करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 6 × 26 = 156, अब 9 है यहाँ पर, 81 - 1 तो 80 हो जाएगा, आंसर हमारा आएगा 720। ऑल राइट, अब यहाँ पर 1 में से माइनस करना है, इन दोनों को डिवाइड करके जो आंसर आएगा वो, तो इन दोनों को डिवाइड कीजिए, इन दोनों को डिवाइड करने पर हमारा आंसर आ रहा है 0.2161, इस तरह से आपका आंसर आएगा। तो अब 1 में से ये पूरी वैल्यू माइनस कर दीजिए, 1 में से पूरी वैल्यू को माइनस कर दीजिए, तो आपका आंसर आएगा 0.7833। अब 7, 8 उसके बाद जो वैल्यूज़ आ रही है, और भी वैल्यूज़ आपको मिल रही है, तो आप इसको राउंड अप कर दीजिए 0.78, ये वैल्यू 78 से ग्रेटर नहीं है, इसलिए यहाँ पर 0.78 आर की वैल्यू बन जाती है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व किया, सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, इसलिए प्लीज़ वीडियो को कहीं पर भी स्किप मत कीजिएगा। सेकेंड क्वेश्चन हो चुका है, अब थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 रीड करती हूँ। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज़ ऑब्टेन्ड बाय सर्वे कंडक्टेड बाय टाउन प्लानिंग कमेटी ऑफ अ स्टेट। तो एक कमेटी है जो स्टेट की, उसने जो टाउन प्लानिंग करने के लिए एक सर्वे किया है, तो उसमें आप देख सकते हैं ABCDE, ठीक है, 5 सिटीज़ है, N बन जाता है 5, और यहाँ पर आप देखिए पॉपुलेशन ऑफ, रेट ऑफ पॉपुलेशन दी गई है लैक्स में, और उसके बाद रेट ऑफ ग्रोथ आपको पर 1000 दी गई है, और लास्ट लाइन रीड कीजिए, फाइंड रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन द पॉपुलेशन ऑफ सिटीज़ एंड द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, आप क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपको जो लैक्स में दिए गए हैं पॉपुलेशन और पॉपुलेशन ग्रोथ रेट आपको दी गई है पर 1000। अब ये है एक्स और वाई, ये याद रखिएगा डिफरेंस, एक्स वाई अलग होता है, ये वेरिएबल्स होता है, आर ऑफ एक्स यानी उनको जो रैंक्स दी जाती है, और आर ऑफ वाई जो वाई को रैंक दी जाती है। पहले के जो दो क्वेश्चन हमने सॉल्व किए उसमें डायरेक्ट आपको ये दे दिया गया होता था, जिसके बाद आप ये दो कॉलम्स फाइंड करते थे और सम सॉल्व करते थे। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, एक्स वाई दिया है, जिसके बाद आपको ये दो कॉलम फाइंड करना है, उसके बाद आप डी और डी स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर डिफरेंस कुछ भी नहीं है। अब आप यहाँ पर रैंक देंगे,
जो रैंक्स आप देखते थे 1, 2, 3, 4, 5 पहले से दी होती थी, अब वो आपको यहाँ पर खुद से बनानी है। तो कैसे करनी है, चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले x से स्टार्ट करते हैं, उसके लिए r ऑफ x फाइंड करते हैं, यानी x वेरिएबल में सभी को रैंक देते हैं और r ऑफ x यानी रैंक फॉर x वेरिएबल फाइंड करते हैं। तो रैंक कैसे दी जाती है, जो सबसे ज़्यादा पॉइंट्स वाला होगा उसको सबसे फर्स्ट पे रखा जाएगा, राइट। ये कंसेप्ट याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा सबसे पहले। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा वाला वेरिएबल देखिए, फर्स्ट जो सिटी ए है उसमें 57 है, तो r ऑफ x हमारा फर्स्ट पे यहाँ पर 1 लिखेंगे। 45 उससे छोटा है, यहाँ पर बाकी इतना बड़ा और कोई भी नहीं है, इन चारों में 45 है, तो 45 सेकेंड रैंक पे आएगा। अब इन तीनों में देखिए सबसे बड़ा कौन है, 18, तो इसे थर्ड रैंक देंगे। फर्स्ट सेकेंड हो चुके तो अब इसको थर्ड रैंक देंगे। अब फोर्थ और फिफ्थ रैंक पे इन दोनों में से किसे रखना है, तो ये होगा फोर्थ रैंक पे और 8 सबसे छोटा फिफ्थ रैंक पे। अब यहाँ पर r ऑफ y फाइंड करना है, यानी जो y है उनमें सारे वेरिएबल्स को रैंक देनी है। तो सबसे बड़ा 20 देख सकते हैं आप, सभी वेरिएबल्स में 20, तो इसे फर्स्ट रैंक देंगे। यहाँ पर सेकेंड रैंक देने के लिए 15 है, देखिए आप बाकी की रैंक्स में से 15 को सेकेंड देंगे। थर्ड पे आएगा 13, उसके बाद फोर्थ पे आएगा 10 और फिफ्थ फॉर फिफ्थ। याद रखिएगा सभी को रैंक्स देनी है। अब सभी वैल्यूज़ को रैंक दे दी, अब d की वैल्यूज़ फाइंड करते हैं, डिफरेंस, राइट। 1 - 3 - 2, 2 में से 1 माइनस किया तो 1, 4 - 4 - 0, 3 - 2 - 1, 5 - 5 - 0। इसका टोटल करके देख लीजिए, आपका आंसर यहाँ पर 0 आना चाहिए हमेशा, तब आप समझ सकते हैं कि आपने यहाँ तक का पूरा सम करेक्ट किया है। अब डी स्क्वायर लास्ट वैल्यूज़, 2 का स्क्वायर कीजिए, -2 का 4 आएगा, 1 का स्क्वायर 1, 0 का 0, 1 का 1, 0 का 0। अब इसका टोटल कीजिए, डी स्क्वायर का टोटल हमारे यहाँ पर आ रहा है 6। फॉर्मूला आप देख सकते हैं, सेम फार्मूला है, दो सम सॉल्व किए उसमें आपको फार्मूला याद रह गई होगी। फार्मूला है 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। वेरिएबल्स पुट आउट करना है और सम सॉल्व करना है। तो 1 - 6 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर, देखिए 6 ही है तो 6 रहने देंगे, डिवाइड करना है अब आपको n, n यानी कितने वेरिएबल्स है, तो आपने कितने सिटीज़ देखे यहाँ पर, 1, 2, 3, 4, 5, 5 विलेजेस हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे 5, जो 5 सिटीज़ हैं उनके लिए मल्टीप्लाई करना है n का स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर 25, माइनस करना है 1। अब यहाँ पर 1 - 6 - 36 डिवाइड कीजिए, यहाँ पर पहले इनको सब्ट्रैक्ट कीजिए, पहले हमेशा ब्रैकेट सॉल्व करना है, तो 25 - 1 - 24 और 24 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 120। अब 1 में से माइनस और इन दोनों का डिवाइड का जो आंसर आएगा वो, तो इनको डिवाइड करने पर आंसर 0.3 आ रहा है, तो 1 में से 0.3 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 0.7। तो ये बन जाता है हमारा R, जो यहाँ पर हमें फाइंड करना था रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट मेथड से। तो फ्रेंड्स, थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट होता है, फोर्थ क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। वीडियो हेल्पफुल रह रहा है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, राइट। आप सपोर्ट करना चाहते हैं हमें और वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल रह रहे हैं तो इसे प्लीज़ यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। क्वेश्चन 4 रीड करती हूँ। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज ऑब्टेन बाई टेकिंग सैम्पल्स ऑफ 10 स्टूडेंट फ्रॉम दी साइंस कॉलेज। तो साइंस कॉलेज के 10 स्टूडेंट्स के मैथमेटिक्स के मार्क्स और स्टेटिस्टिक के मार्क्स लिखे गए हैं। क्वेश्चन 4 में आप देख सकते हैं, जो डेटा हमें दिया गया है वो मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, थर्ड क्वेश्चन जैसा ही है। डिफरेंस क्या है, आपको वैल्यूज़ थोड़ी बड़ी दी गई है और ज़्यादा दी गई है। 10 स्टूडेंट्स का डेटा, n आपका 10 बन जाता है। r ऑफ x, r ऑफ y फाइंड करना है, d स्क्वायर उससे आपको मिल जाएगा। तो चलिए, r ऑफ x यानी रैंक देनी है, तो ये रहे x के वेरिएबल्स, इसमें से रैंक देनी है आपको। फर्स्ट आप देखिए सबसे बड़ा वेरिएबल कौन सा है इन सभी में, x की वैल्यूज़ में 98 सबसे बड़ा दिख रहा है, तो इसे 98 को फर्स्ट रैंक दे देते हैं, राइट। 98 से छोटा देखिए आप, यहाँ पर सेकेंड 90 दिख रहा है,
तो इसको सेकेंड रैंक देंगे। अब 90 से छोटा और आप देखिए यहाँ पर 82 दिया गया है, तो इसे थर्ड रैंक देंगे। उसके बाद 82 से और कम, आपको उससे भी कम 78 दिया है, तो इसे फोर्थ रैंक देंगे 78 को। 78 से भी कम 75 आप देख सकते हैं, इसे फिफ्थ रैंक देंगे। 75 से कम आपको देखना है तो 7 वाले नहीं है, अब डायरेक्ट 60 वाले स्टार्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 65 बढ़ा है, तो इसे यहाँ पर सिक्स्थ रैंक देंगे। 62 को सेवेंथ रैंक देंगे। और अब जो बाकी के बचे हुए हैं उनमें से चेकआउट कीजिए, 39, तो 39 को एट्थ रैंक देनी है। उसके बाद है 36 को यहाँ पर नाइन्थ रैंक और 25 को टेंथ रैंक। ऑल राइट, तो आपको इस तरह से रैंक्स देनी है। लास्ट आंसर 10 ही आएगा क्योंकि 10 यहाँ पर आपको स्टूडेंट्स दिए गए, ये उनके मार्क्स थे मैथ्स के। फर्स्ट जो लाइन है उसे एक्स अज्यूम किया, उस पर से रैंक्स यानी आर ऑफ एक्स। अब वाई, वाई को रैंक्स देनी है, तो यहाँ पर वाई की वैल्यूज़ देख लीजिए, सबसे बड़ा 91 दिख रहा है, तो इसे फर्स्ट रैंक देंगे। उससे छोटा देखिए यहाँ पर आपको 84 दिया गया है, आपको 86 दिया गया है, ये सेकेंड रैंक देंगे। थर्ड पे 84 आएगा, इसे थर्ड रैंक देंगे। आप अगर चाहें तो टिक कर लीजिए जिन जिनको आपने रैंक दे दिए, तो आप आइडेंटिफाई ईजिली कर पाएंगे कि इन सभी वेरिएबल्स को रैंक दे चुके हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं, देखिए इन बाकी वेरिएबल्स में नेक्स्ट आपको कौन सा दिख रहा है, तो नेक्स्ट आप देख सकते हैं अब 60 वाले हैं सारे, तो इन्हीं में से रैंक्स देनी है। तीन रैंक हम दे चुके हैं, फोर्थ रैंक हम देंगे 68 को, तो यहाँ पर आएगा फोर्थ रैंक। उससे छोटा देखिए 62 है, तो फिफ्थ रैंक। उसके बाद 60 है, तो सिक्स्थ रैंक। यहाँ के सारे मेरे 58 है, तो आपको इसे देना है सेवेंथ रैंक। उसके बाद यहाँ पर एट्थ रैंक, नाइन्थ रैंक 51 पे और टेंथ रैंक 47 पे। तो इस तरह से सारी रैंक्स दे दी हमने। अब डी, डिफरेंस फाइंड करना है, तो इन दोनों का डिफरेंस 8 - 10 - 2, 6 - 8 - 2, 7 - 7 - 0, 2 - 2 - 0, 3 - 5 - 2, 5 - 4 - 1, 10 - 6 - 4, 1 - 1 - 0, 9 - 9 - 0, 4 - 3, यहाँ पर आंसर आएगा 1। टोटल कीजिएगा, आंसर 0 ही आना चाहिए टोटल करने पर, तब आपको पता चलेगा यहाँ तक का क्वेश्चन आपका बिल्कुल करेक्ट है। अब डी स्क्वायर वाली वैल्यूज़ फाइंड करते हैं, यानी इन सभी का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 0, 0, 2 स्क्वायर 4, 1, 1 ज़ा 1, 4 का स्क्वायर 16, 0, 0, 1 का स्क्वायर 1। इसका टोटल कीजिए यहाँ पर पूरी सभी वैल्यूज़ का, आंसर 30 आ रहा है। अब आपको क्या करना है, फॉर्मूला में पुट आउट करना है 1 - 6σd², तो 6 × σd² 30 अभी हमने फाइंड किया, उसको डिवाइड करना है n, n कितना है यहाँ पर 10, जो सारे स्टूडेंट्स हैं n 10 लेंगे, मल्टीप्लाइड बाय n² यानी 10 का स्क्वायर 100 -1। अब 1 में से माइनस करना है, 6 × 30 को मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर 180 आएगा। 100 - 1 = 99 और 99 को मल्टीप्लाई करना है 10 से, तो 990 आंसर आएगा। पहले ब्रैकेट सॉल्व कीजिएगा हमेशा। अब इन दोनों को डिवाइड कीजिए, तो 1 में से माइनस करना है इनका डिवाइडेशन, दैट इज़ 0.1818। अब यहाँ पर इनको माइनस कर दीजिए 1 में से, तो आंसर आएगा 0.8182। और अब इसे राउंड अप करना है, तो राउंड अप करने पर आप पहली दो डिजिट देखिए 81 है, तो 0.81, बट उसके बाद 8 है जो इस 1 से बड़ा है, 81 के बाद 82 है, तो आप इसे 82 बना दीजिए। ऑल राइट, तो इस तरह से आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। आर की वैल्यू हमें मिल चुकी है, हमने पूरा यहाँ पर हमने फर्स्ट टू फोर क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, तो फर्स्ट टू फोर्थ क्वेश्चन इसी वीडियो में रहने देते हैं, उसके बाद वाले जो क्वेश्चन है 5, 6, 7, 8 सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बट नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं माय नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें सारे क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के कंप्लीट सॉल्व कर लेंगे, वो थोड़े से डिफरेंट मेथड्स है, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, कमेंट करके बताइएगा, कोई डाउट्स हो, क्वेरीज हो, वीडियो हेल्पफुल रह रहा है तो भी कमेंट कीजिए।
कीजिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।